फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रियंका बेरास किचन में। आज मैं सिखाने वाली हूँ जैगरी रसगुल्ला। कोलकाता में काफ़ी फेमस है जैगरी रसगुल्ला, स्पेशली मिलते हैं विंटर के टाइम पे। बंगाली में इसे कहते हैं गुड़े रसगुल्ला। सो बनाना स्टार्ट करते हैं जैगरी रसगुल्ला। यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको मैंने बॉयल पे रखा है। ऐसे ही बीच बीच में इसे इसको हिला दीजिए। ये देखिए मिल्क में उबाल आ गई है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट हो गया है, गैस मेरा अभी भी बंद है। यहाँ पे मैंने लेमन जूस लिया है, 3 स्पून लेमन जूस। उसके साथ मैंने पानी लिया है अराउंड 3 स्पून। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मैं दूध में डालती जाऊँगी। ये देखिए दूध फट के पनीर बन गई है मेरी। पनीर को मैंने निकाल लिया है। अभी थोड़ी सी ठंडे पानी से मैं इसको वॉश कर लूंगी। पनीर को मैंने प्लेट में निकाल ली है। अभी इससे अच्छे से मैश करनी है, मतलब इस तरीके से मैश होनी है आपके हाथ में तेल दिखेंगे। मिनिमम 10 से 12 मिनट्स चाहिए इसको मैश करना है। दस मिनट तक पनीर को मैंने मैश किया है, एकदम जैसे डो जैसा बन गया है। मेरे हाथ में देखिए ऑयल जैसा है। अभी मैं छोटे छोटे गोले बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं होंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं है इसमें। ऐसे मैं छोटे छोटे बॉल बना लूंगी। मैं सिरप बनाऊंगी और रसगुल्ला का सिरप बहुत पतला होती है, इसके लिए 5 कप वाटर, 1 कप जैगरी। यहाँ पे मैं शुगर नहीं यूज करूंगी। ये देखिए उबाल आ गई है। मैंने जो 1 लीटर दूध से मैंने पनीर बनाए थे उसमें मेरे 10 गोले निकले, सो मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। स्टार्टिंग में 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं देखती हूँ। इसको मैं एक एक करके टर्न कर दूंगी। फिर से मैं रख दूंगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ। अभी मैं इसको बंद कर दूंगी, फिर से गैस को मैं बंद करूंगी। अभी आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है जैगरी रसगुल्ला, मेरा जैगरी रसगुल्ला रेडी है। अगर मेरी इस वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।